अरे दादा दादा, घर में ये हाल है तो बाहर वालों से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं हम? जो एक तू ही है जो निष्ठा का अर्थ समझती है। और एक ये है जिसे अपने पति से अधिक संसार की चिंता है। दुर्बल कायर मानसिकता के लोग होते हैं वो, जो अपने हित से पहले दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं। उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं, दया भाव रखते हैं। और तुम्हारे कारण मेरा पुत्र भी दुर्बल बनता जा रहा है रुक्मिणी। जो भी हुआ है वो केवल एक चेतावनी है कि मेरे साथ विश्वासघात करने वालों के साथ मैं क्या कर सकता हूं। भले वो कोई भी क्यों ना हो। हरि ओम। हमारी एक नहीं सुनी, सब सब सामान निकाल के बाहर फेंक दिया। हम खाने के लिए बैठने ही वाले थे कि भामा, ऐसी हालत में इतना नहीं रोते। देखो मैंने कितने सारे व्यंजन बनाए हैं, तुम खाना खा लो। मैं कल ही अप्पा जी के साथ जाकर उनसे बात करता हूँ। कुलकर्णी सरकार ऐसे कैसे कर सकते हैं? हम सबको मिलकर कुछ करना होगा। माधव, खुद को अकेला मत समझना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। भामा, खाना खाओ। नहीं ताई, मुझे भूख नहीं है। भामा, देखो ये सब तो तुम्हारे पसंद के व्यंजन है ना, और आज ही तो तुम कह रही थी कि अगर तुम्हारी आई होती तो ये सब तुम्हें बनाकर खिलाती। ये कैसा संयोग है, माँ ने एक बेटी की इच्छा पूरी कर दी, अब तुम ये खाना खाकर इस माँ की इच्छा भी पूरी कर दो। हाँ माँ, ये सब ईश्वर की ही कृपा है। कर्मयोग का मार्ग ही अटल है, जो कुछ है हाथ में तेरे यही पल है। अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई 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 ओम। ये तो अति हो रही है, दिन प्रतिदिन कुलकर्णी सरकार का अत्याचार तो बढ़ते जा रहा है। माधव, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम दोनों ये गांव छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। ये गांव जितना हमारा है उतना तुम दोनों का भी तो है। ये लो,
तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। यमुना की शादी हो जाने के बाद से ये घर सूना हो गया था, लेकिन कल रात से ऐसा लग रहा है कि ये घर फिर से बस गया है। अरे यमुना से याद आया कि मैंने तात्या को विद्यालय भेजा है और मैं यहाँ आ गई। अगर पाठशाला बंद है तो वो वहां क्या करेगा? होने या ना होने से क्या तुम्हारा कर्तव्य बदल जाएगा? इतना याद रहे कि कर्तव्य का निर्वाह रुकना नहीं चाहिए किसी भी हाल में। मैं उसे लेकर आती हूँ। रुकिए बाजार का। मैं जा रहा हूँ। आओ, साई ने मुझसे वादा लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए बच्चों की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। शायद साई को पहले से ही आभास हो गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। साई ने संकेत दिया था कि ऐसा कुछ होगा। हाँ भाईसाहब का। घर की साफ सफाई करो और जिन चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हो उन्हें हटा दो। थोड़ी जगह बनाओ घर में ताकि नए के लिए जगह बने। इनको नहीं भाईसाहब का, साई ने हमें भी संकेत दिया था। उन्होंने कहा था कि घर की सफाई करो, घर में जगह बनाओ ताकि नए की जगह बन सके। वो जानते थे कि तुम लोग यहां आने वाले हो। वो चाहते भी यही थे। साई ने कहा है तो सब कुछ अच्छा ही होगा, देखना तुम। लगता है आज विद्यालय की छुट्टी है। नहीं नहीं आज छुट्टी नहीं है। अगर होती तो अध्यापक जी हमें पहले ही बता देते। हो सकता है वो कहीं बाहर गए हो। हमें बाहर बैठकर उनका इंतजार करना चाहिए। आओ। ए, यहां क्यों बैठे हो तुम लोग? चलो जाओ अपने घर। दिखाई नहीं देता, विद्यालय बंद हो चुका है और तुम्हारे अध्यापक को भी हमने यहाँ से भगा दिया है। हो सकता है तुमने इनके अध्यापक को इस घर से भगा दिया हो। पर इन बच्चों के जीवन से इनके अध्यापक को कभी नहीं निकाल सकते। वो देखो। मैं अपना वादा पूरा करूंगा साईं। मैं इन बच्चों को पढ़ाता रहूंगा।
चाहे विद्यालय हो या ना हो। तुम्हारा विद्यालय होगा माधव, खुले आसमान के नीचे। मतलब द्वारका माई में? नहीं, वहां कैसे पढ़ा पाऊंगा साईं? वहां तो लोग आते जाते रहते हैं ना, बच्चों का ध्यान नहीं लग पाएगा। तो फिर ऐसी जगह विद्यालय बनाओ जो प्रकृति माँ की गोद में हो, एक ऐसा विद्यालय जो वैसा हो जैसा कि ऋषि मुनियों के आश्रम में होता था, ताकि बच्चे किताबी ज्ञान के अतिरिक्त अपने आसपास के वातावरण से भी सीखें प्रकृति से अनुशासन, दृढ़ता और संरक्षण का पाठ सीखें, जिम्मेदार नागरिक बने। जाओ माधव, अज्ञानता के अंधकार को दूर करने की अपनी यात्रा दोबारा शुरू करो। आओ बच्चों, मेरे साथ आओ। चल। राम जी भला करें। क्या कर रहे हो? चलिए ना भैया, चलो भैया। साई देखिए ना, राम भैया को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि विभूति से मैं ठीक हुआ हूं। इन्हें लगता है कि राग से इलाज नहीं होता, ये कहते हैं कि मैं झूठ बोलता हूँ। मैं अहमदनगर में अंग्रेजों के विद्यालय में पढ़ता हूँ और वहां मुझे ये सिखाया गया है कि जब तक सबूत ना मिले तब तक किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरी तबीयत तो ठीक हो गई ना, यही सबूत है। हो सकता है तू पहले से ही ठीक हो रहा हो, कैसे पता कि राग से हुआ? अब मेरे सामने किसी को ठीक करके दिखाएं, तब मुझे विश्वास होगा ना। पर हम दोनों तो पहले से ही ठीक है, तो साई किसको ठीक करेंगे? है मेरे पास एक चीज, उसे ठीक करके दिखाएं तो मैं मानूंगा। अगर विभूति इंसानों पे काम कर सकती है तो इस फल को भी ठीक कर सकती है ना? देखा, मना कर दिया ना, नहीं कर पाए ना। चल यहां से, तू भी किसी की भी बातों पे विश्वास कर लेता है। चल। फल से ज्यादा महत्वपूर्ण है उस पेड़ को बचाना जिससे तुम इसे तोड़ कर लाए हो। क्या हुआ पेड़ को? उस पेड़ में कीड़े लगे हुए हैं जो फलों को भी सड़ा रहे हैं। मैं तुम्हें विभूति देता हूं, इसे पानी में मिलाकर पेड़ की जड़ों में डालना, पेड़ बच जाएगा और फल भी स्वस्थ हो जाएंगे। आपको कैसे मालूम कि पेड़ में कीड़े लगे हैं? तूने बताया? मैं तो आपके साथ ही आया था, मैं कैसे बताऊंगा? तो सड़े हुए फल को देख के आपने अंदाजा लगाया होगा, है ना? इससे कुछ सिद्ध नहीं होता। आप अपनी विभूति अपने पास ही रखिए। आप अनपढ़ लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, मुझे नहीं। दादाजी की याद नहीं आती? तुम्हारे दादाजी को वो पेड़ बहुत प्रिय था, ये जानते हुए भी तुम उसे नहीं बचाओगे
जब तुम 5 साल के थे तब तुमने और तुम्हारे दादाजी ने मिलकर वो पौधा लगाया था। पौधा धीरे धीरे बड़ा हुआ, पेड़ बन गया, तो तुम्हारे दादाजी ने उस पर झूला डाला। तुम्हारे दादाजी तुम्हें झूला झुलाते, तुम्हारे साथ खेलते और शाम को पेड़ के सबसे अच्छे फल चुनकर तुम्हें देते थे। लेकिन दादाजी की मृत्यु के बाद तुमने उस पेड़ का ख्याल नहीं रखा, उसमें कीड़े लग गए, वो पेड़ मर रहा है। अगर तुमने उसका ख्याल नहीं किया तो वो गिर जाएगा और उसके गिरने के साथ ही तुम अपने बचपन की निशानी, अपने दादाजी की दी हुई सबसे प्यारी चीज, उस पेड़ को हमेशा के लिए खो दोगे। आपको कैसे मालूम मेरे दादाजी के बारे में? दादाजी को गुजरे हुए 7 साल हो गए, मैंने आज तक किसी से दादाजी के बारे में बात नहीं की, आज भी नहीं कर पाता हूं, पर मैं उन्हें हर दिन याद करता हूं। उठो, तुम्हारे दादाजी अब तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी सबसे प्यारी चीज, उनकी निशानी, वो पेड़ तुम्हारे साथ है। उसकी देखभाल करो, ख्याल रखो उसका, फिर देखना उसकी छांव में तुम अपने दादाजी के आशीर्वाद को महसूस करोगे। आप मुझे विभूति दीजिए, मैं उस पेड़ को बचाऊंगा, मैं उस पेड़ की देखरेख करूंगा और जैसे ही नए फल आएंगे सबसे पहले आपको दूंगा। को माँ के काम में हाथ बटाने जाना पड़ा। ठीक है, ये जगह कैसी है गुरुजी? चंपा, जगह तो अच्छी है पर गांव के बीचों बीच है, लोगों का आना जाना लगा रहेगा तो पढ़ाई में बाधा आएगी। गुरुजी, मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ कोई भी आता जाता नहीं। अच्छा, चलो चलिए। आओ बच्चों। पर कोई आता जाता नहीं। ये बिल्कुल सही जगह है हमारे लिए, जैसी साईं अपेक्षा करते हैं बिल्कुल वैसी ही शिक्षा मिलेगी तुम्हें यहाँ पे। मेरे साथ साथ प्रकृति से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुम लोगों को। हम अपना विद्यालय
यहीं बनाएंगे। जी गुरुजी, जी गुरुजी। अध्यापक जी, इस जगह पे तो कोई आता जाता नहीं है। बेटा तात्या, हमारे लिए ये बिल्कुल ठीक जगह है। सरकार पेड़ के नीचे पाठशाला खोल ली है, और तो और महलसापति के घर में रहता है। पता नहीं सरकार, आपने जब उसे घर से बेघर किया था तब उसकी हालत पतली थी, लेकिन लेकिन आज मुझे उसमें कुछ अजीब लगा। वो आत्मविश्वास से भरा हुआ था सरकार। आत्मविश्वास से न पेट भरता है न शरीर ढकता है पंता। सरकारी काम से अहमदनगर जा रहा हूं, नहीं तो उसका आत्मविश्वास चूर चूर करके रख देता मैं। तुम दोनों उस पर दृष्टि बनाए रखो, आने के बाद बताता हूं उसको आत्मविश्वास क्या होता है। हरिओम। जी सरकार। पिताजी पूरे एक दिन के लिए अहमदनगर जा रहे? विठ्ठल की कृपा से सब ठीक हो गया। शिरडी में ही आश्रय मिल गया हमें, लोगों ने सहायता की हमारी, वरना तुम्हें इस हालत में लेकर पता नहीं मैं क्या करता। ये लोग बहुत अच्छे हैं, फिर भी सोचना तो पड़ेगा ना हमें। कब तक यहां और फिर किन परिस्थितियों में हम अपने बच्चे को जन्म देंगे, जब हम खुद ही बिना आश्रय के रह रहे हैं। हमारे पास तो इतना भी नहीं कि हमारे मूल आवश्यकताओं को हम पूरा कर सके। ऐसे में मालसापति जी और उनके परिवार को कितना कष्ट दे। भामा, चाहता तो मैं भी हूं कि घर के खर्चों में अपना योगदान दूं, पर विद्यालय शुरू किया है पर वहां से भी कुछ कमा पाऊं, इसकी संभावना बहुत कम लग रही है मुझे। सच कहा आपने, बोझ बन गए हम मालसापति जी के परिवार पर। बिल्कुल सच कहा तुमने। गलती मेरी ही है, मैंने तुम्हें अपनी बेटी मान ये सोचकर कि तुम भी मुझे अपनी मां मानोगी। ऐसा नहीं है, आज अगर मेरी मां होती
तो वो भी इतना नहीं करती जितना आप मेरे लिए कर रहे हैं। लेकिन हमें चिंता तो उसकी है जो इस संसार में आने वाला है। हमारे पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है आज। माँ बाप के पास अपने बच्चे को देने के लिए अच्छे संस्कार होने चाहिए, बाकी सब बेकार है। अगर अच्छे संस्कार होंगे तो तुम्हारा बच्चा जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना कर पाएगा। फिर तुम दोनों तो कितने भाग्यशाली हो, तुम्हारे बच्चे को जन्म के साथ ही साईं का आशीर्वाद प्राप्त होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम दोनों पर साईं का आशीर्वाद है। अरे वाह, विट्ठल की मूर्ति की स्थापना भी हो गई। उनके नीचे ये जो आसन रखा है उसकी कढ़ाई बहुत ही सुंदर है, मैंने बनाई है। मुझे सिलाई और कढ़ाई करना बहुत पसंद है। भामा, तुम्हारा हाथ बहुत साफ है, मेरे खंडोबा के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही आसन बना दोगी? हाँ। आप माँ बेटी ऐसी बातें करते रहिए, मैं चलता हूं। अंता जी, सरकार ने माधव पर नजर रखने के लिए कहा है। हाँ पंता जी, लेकिन ये माधव तो बहुत बड़ा बेशरम निकला। वो बेशरम है तो हम उससे भी बड़े बेशरम हैं। देखते हैं कैसे पढ़ाता है वो बच्चों को। भिक्षाम दे। साईं, अच्छा हुआ आप आ गए, आपसे कुछ बात करनी थी। पहले आप ये स्वीकार कीजिए। मेरे साथ आओ। साईं, साईं कहाँ जा रहे हैं आप? साईं, साईं कहाँ जा रहे हैं आप? साईं थोड़ा धीरे चलिए, मुझे आपसे भामा के बारे में बात करनी है। वैसे तो वो मेरे घर में खुश है लेकिन अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, बहुत परेशान है वो। साईं क्या हुआ है? श्रद्धा, सबरी। साईं, लेकिन आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? हमने कहा था ना आपसे कि वो आदमी भरोसे के लायक नहीं है, दे दिया ना इन वक्त पर धोखा, फंसा दिया ना हमें। मुझसे भूल हो गई उसे पहचानने में, लेकिन अब क्या करें? साईं को समझ। साईं, क्या बात है रेहाना, बहुत परेशान दिख रहे हो तुम लोग। हाँ साईं, दुशाला बुनाई के बाद जिस कारीगर को कढ़ाई का काम देते थे अचानक से उसने अपना मेहनताना दुगना कर दिया। अगर उसके कहे अनुसार हमने उसे मेहनताना दिया तो हमें नुकसान होगा साईं। हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम दूसरा कारीगर ढूंढे, और वैसे भी आजकल अच्छे कारीगर मिलते कहाँ हैं। और अगर काम रुक गया तो बहुत नुकसान होगा। इस समय हम दोनों लोग नुकसान झेलने की हालत में नहीं है साईं। भामा, हाँ रेहाना, भामा बहुत अच्छी कढ़ाई करती है, तुम उससे काम दे सकती हो। वो कढ़ाई जानती है बहुत अच्छे से। वो हमारा काम करेगी क्या? क्यों नहीं करेगी, खुशी खुशी करेगी। या अल्लाह, तू बड़ा रहम दिल है। अब हमें गांव में ही कारीगर मिल गया, और वो भी ऐसा जिस पर कि हम भरोसा कर सकते हैं। आप लोग अंदर आइए ना। तो मुझे यहाँ लाने के पीछे ये कारण था साईं का। साईं, साईं ओम, साईं ओम,
जैसी जिसकी नियत वैसी उसकी बरकत। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.